डॉट कनेक्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, सो मैं देन लगाऊंगा यहाँ पर और बोलूंगा जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए मेरे को कुछ करना, ठीक है। सो काम कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, मेरे को सीक्वलाइज से सिंक करना है। सो मैं अभी कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मास्टर में पुश कर दूंगा रिटर्न सीक्वलाइज डॉट सिंक। सो अब यहां पर मैं डॉट देन जब लगाऊंगा, अब वो तब चलेगा जब कनेक्ट भी हो जाएगा सीक्वलाइज डॉट सिंक भी हो जाएगा। सो अब मैं यहां पर दोबारा देन लगाता हूँ और नीचे वाले देन को जोड़ देता हूँ इससे। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिस चेनिंग। अब नोड यूज कर रहे हैं तो हो सकता है काफी जगह ये लगानी पड़े, इसको खुद कोशिश करना पड़ने की, वरना मैं इसको कोशिश करूंगा कम से कम रखूं प्रोजेक्ट। सो ये पीजी ओके, हमारी ऐप वाली फाइल अब थोड़ी क्लीन हो गई। अब पोर्ट वाली, पोर्ट हम ठीक करेंगे। अब हम जाते हैं बिन डॉट www। अब हम यहाँ पर देखेंगे लाइन नंबर 15 पे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब नोड env से पोर्ट उठाने की कोशिश ऑलरेडी कर रहा है, बट उसको कोई पोर्ट मिल नहीं रहा। तो जब उसको पोर्ट नहीं मिल रहा, वो बाय डिफॉल्ट 3000 वाले पोर्ट पे चल रहा है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम 3000 वाले पोर्ट पे अपना प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे, हम जिस भी पोर्ट पे चलाएंगे वो हम env के अंदर मेंशन करेंगे। सो ये पोर्ट वाली लाइन हम env फाइल में डालेंगे कि हम अपना पोर्ट फिक्स कर रहे हैं। अब env फाइल में जो पोर्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट उसी पोर्ट पे चलेगा। सो मैं कर रहा हूँ पोर्ट इज इक्वल टू 8000, ठीक है। सो सब अपने env फाइल में पोर्ट इज इक्वल टू 8000 डाल दो। उसके बाद क्या होगा, अभी देखो जैसे ही मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 लिखा हुआ आता है। अब मैंने जैसे ही env के अंदर ये लाइन ऐड कर दी, अब मैं प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करता हूँ। npm start, मैं ऊपर जाता हूँ। अब कुछ दिक्कत हुई है, मैंने वेरिएबल का नाम गलत कॉपी कर लिया। पोर्ट प्रोसेस डॉट इन पोर्ट, अच्छा मैंने मास्टर पे भी पुल नहीं लिया, एक सेकंड। एक सेकंड इग्नोर करो अभी जो भी मैं कर रहा हूँ। ओके मैंने मास्टर पे पुल ले लिया, सारा कोड लेटेस्ट है। अब मैं प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सो अब मैं देख सकता हूँ टर्मिनल में लिखा हुआ आ रहा है लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, क्योंकि मैंने env में पोर्ट को डिफाइन कर दिया। तो ये लाइन सब लिख लो अपने अपने env में, मेरे env में लिखने से तुम्हारे env में नहीं पहुंचेगा, env फाइल सबकी इंडिविजुअल है। सो पोर्ट इज इक्वल टू 8000 सब अपनी env फाइल्स में लिख लो, उससे फिर सबका पोर्ट 8000 हो जाए। और क्लीन अप क्या करना है, ओके पैकेज डॉट जेसन में जब हम npm स्टार्ट करते हैं, ये पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल खोल लो सब। जब हम npm स्टार्ट करते हैं तो ये वाला कमांड रन हो जाता है। अब इस कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि हम जब भी कोई चेंज करते हैं हमें npm स्टार्ट दोबारा रन करना पड़ता है। सो हम एक अब डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। डेव डिपेंडेंसी का मतलब कि ये डिपेंडेंसी से प्रोजेक्ट को डीबग करने के लिए यूज हो रही है, ये प्रोडक्शन में नहीं जानी चाहिए। सो एक सेकेंड होल्ड करना।
ओके सो अब हम एक डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, मैं उसका नाम बताता हूँ, उसका नाम है नोड मॉन। सो जिस तरीके से नोड काम करता है उसी तरीके से नोड मॉन काम करता है, बट उसमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही हम कोई चेंजेस करते हैं वो सर्वर को अपने आप रिस्टार्ट कर देता है। अब हम लिखेंगे npm i, ठीक है, यहाँ पर हम पैकेज का नाम डालेंगे नोड मॉन और हम उसको सेव कर देंगे डेव डिपेंडेंसी में। ओके ये कमांड रन मत करना कोई, मैं अभी पुश कर दूंगा, अभी बस समझ लो। सो देखो जैसे ही मैंने कमांड रन किया डेव डिपेंडेंसी बन गई नोड मॉन की। सो ये नोड मॉन मेरे से पर्सनल कंप्यूटर पे चलेगा, कभी एक्चुअल सर्वर पे नहीं चलेगा। अब मैं npm स्टार्ट में नोड को नोड मॉन कर देता हूँ, उससे फायदा भी होगा कि मेरे को कभी भी कोई चेंज करना होगा मेरे को सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाए। सो मैं नोड की जगह अब नोड मॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं npm स्टार्ट दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब मेरा नोड मॉन चल चुका है, इसका फायदा ये है कि मैं कोई भी चेंज करूंगा ऐप अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो मैंने एक लाइन थोड़ी सी चेंज करी, कंट्रोल सेव किया, अपने आप सर्वर रिस्टार्ट हो गया। ये देखो रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस। अब इसका फायदा ये है हम फास्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये चीजें जरूरी है। अभी मैंने ये क्लीनअप जो किया मैं पुश कर रहा हूँ मास्टर पे, गिट स्टेटस, ये मेरी फाइल्स चेंज हुई हैं, गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम क्लीन अप गिट पुश मास्टर पे पुश हो गए। अब सब अपने मास्टर से पुल ले लो, npm i रन करो और उसके बाद npm स्टार्ट रन करो, तो सबका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा नोड मॉन के साथ। अब कोई भी चेंज करोगे सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। बता देता हूँ क्या करना है चैट पे। सबसे पहले मास्टर पे पुल लो, उसके बाद npm i रन करो, उसके बाद npm स्टार्ट रन करो। अब तुम नोटिस करोगे वहां पर लिखा हुआ आएगा कि नोड मॉन से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स ऑल, इतना ही करना है फिलहाल। ये एक बार सब कर लो, मैं 5 मिनट्स वेट कर रहा हूँ सबकी। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। मास्टर से पुल लेना है, नोड मॉन इंस्टॉल करना है, फिर npm स्टार्ट करना है। सर मेरे में एरर आ रहा है, क्या रहा है? ये मैंने पुल रिक्वेस्ट करी उसके बाद npm आई करा उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो वो एरर आ रहा है कुछ। स्क्रीन शेयर करो।
इसका मतलब कि कोई पोस्टग्रेस की इन्फॉर्मेशन है जो तुमने डिफरेंट या गलत डाली हुई है, यही पासवर्ड यही है, रूट ही रखा है तुमने अपने पीसी पे। ये यस सर रूट ही रखा है। सर्च बार कहाँ चला गया तुम्हारा नीचे से? हटाया वो टर्मिनल को। डालो ना उसे, वो तो काम की चीज़ है। मास्टर से पुल लिया था तुमने, क्या आया था, यस हो गया सर था पुल? यस सर हो गया था ऊपर। पुल हुआ नहीं ना, देखो कन्फ्लिक्टिंग ब्रांचेस। सो बेसिकली तुमने मास्टर पे कोई चीज छेड़ दी है, इसलिए वो पुल नहीं ले पा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, गिट स्टैश, वो सब कुछ हटा देगा तुमने जो भी चेंज किया मास्टर पे। चेंजेस टू क्या चेंज किया है? अच्छा Some local refs could not be try running it. कोई पुराना एरर है जो तुम्हारा अभी तक गया नहीं है? चलो यही सब कमांड रन करके देखते हैं। गिट रिमोट या वो कह रहा है कि ओरिजिन डॉट अखिल ऑलरेडी एग्जिस्ट, हटा दूं क्या? एक सेकंड, वो अब ये बोल रहा है कि हमने कुछ चेंजेस करे हैं तो वो अलाउ नहीं कर रहा उसे। गिट स्टैश किया, गिट पुल किया, वो हो जाना चाहिए, हो गया, अब हुआ है पुल। ठीक है, ओके। अब एक बार npm आए और npm स्टार्ट करके देख लो। सर कंट्रोल किसी और को दिक्कत आ रही है तो जल्दी बताओ।
एनीवन, किसी को प्रॉब्लम आ रही है? यार रिस्पॉन्स तो दो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अगर नहीं आ रही, सर ओके, सो सब एनपीएम स्टार्ट रन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा भी सेटअप हो गया मास्टर पे। अब सब अपनी नई ब्रांच बना लो। ब्रांच का नाम हम रखेंगे योर नेम प्रैक्टिस डॉट क्रड, ठीक है। सो ये ब्रांच सब बना लो, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। मैं एक मिनट वेट कर रहा हूँ। तो अपनी ब्रांच बनानी है, गेट चेकआउट माइनस बी लेंथ प्रैक्टिस रड, ठीक है। गेट ब्रांच, ओके, मेरी ब्रांच बदल गई है, अब हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्लास में मैं थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट फॉलो करूँगा। अब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं क्रड बनाने के लिए, तो मैं सबसे फॉलो अप नहीं ले सकता इंडिविजुअली एक एक से पूछ के। सो मैं हर एक स्टेप के बाद 1 मिनट की विंडो दूंगा, जिसको कोई प्रॉब्लम हो बता देना। फिर एंड पे पीआर के बेस पे मैं रिव्यू करूंगा कि किसने काम किया नहीं किया। ओके, सो अब हमने रूट्स को थोड़ा सा ठीक करते हैं, राउट्स को। हम अपने प्रोजेक्ट के सारे राउट्स एक ही फाइल में नहीं बनाएंगे। हमें राउट्स को नेस्टेड बनाना है किस तरीके से, कि एक राउट के अंदर दूसरा राउट के अंदर तीसरा राउट हो सके। सो बेसिकली तुम यहाँ पर राउट्स डॉट इंडेक्स वाली फाइल में नोटिस करोगे एक राउटर नाम की चीज़। राउटर जो है, ये इसमें कैपेबिलिटी है नेस्टेड होना। तो इस फाइल की स्टार्टिंग में राउटर इंपोर्ट हुआ है, इस राउटर पे कुछ चीजें अटैच हुई हैं और फिर राउटर रिटर्न हुआ। ऐसी किसी दूसरी फाइल को अगर मैंने इस फाइल के बीच में यूज कर लिया, तो वो नेस्ट हो जाएगी। एक फाइल का राउट दूसरी फाइल के अंदर है, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मैं राउट्स के अंदर एक नई जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल का नाम है यूजर मैनेजर। ठीक है, अब इंडेक्स वाली फाइल से मेरे को पहले राउटर का इंपोर्ट चाहिए। वो ऊपर की दो लाइनें मैंने कॉपी कर ली। ओके, अब पहले इंपोर्ट करना है, फिर यूज करना है, फिर रिटर्न करना है। तो पहले मैं रिटर्न कर लेता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। अब ये मेरी एक राउट फाइल बन गई है। अब इस राउट फाइल को मैं किसी दूसरी राउट फाइल के अंदर यूज कर सकता हूँ, बट अभी तक मैंने इस राउट फाइल के अंदर कोई यूआरएल बनाया नहीं है। तो मैं इसमें अभी बिल्कुल एक बेसिक यूआरएल बना लेता हूँ, राउटर डॉट गेट बस बिल्कुल ब्लैंक राउट है डॉट गेट, और उसमें मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैंने एक बस सिंपल सा राउट बनाया है, राउटर डॉट गेट स्लैश
और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट डॉट सेंड कर रहा हूँ। इनसाइड यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। सो पोस्टमैन मैंने सबका सेटअप करवाया था, पोस्टमैन खोलना है। ओके, अब मैं BVI कैम के फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। क्या हो गया, लोड हो रहा है। ओके, एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, गेट। अरे ये तो मैंने पहले इग्नोर, सॉरी। एक पहले मैं कलेक्शन बना रहा हूँ, BVI कैम न्यू, उसके अंदर राइट क्लिक करके एक ऐड रिक्वेस्ट करो, ठीक है। इसका नाम लिख रहा हूँ गेट यूजर्स। अब हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है HTTP लोकल होस्ट कोलन, हमारा पोर्ट कौन सा चल रहा है, 8000 चल रहा है। अब मैं स्लैश पे चेक करता हूं कि क्या आ रहा है। सो अभी कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, मतलब अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। सो हमने यहां पर तो स्लैश वाला राउट डिफाइन कर दिया है, बट अभी चल नहीं रहा है क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लिंक्ड नहीं है। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाला इंडेक्स वाली फाइल। अब इंडेक्स वाली फाइल में हमें अपने यूजर मैनेजमेंट को लिंक करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो अपनी यूजर मैनेजमेंट को इंपोर्ट करूंगा। सो कॉन्स्ट यूजर यूजर मैनेजमेंट इज इक्वल टू रिक्वायर यूजर मैनेज, ठीक है। सो अब यूजर मैनेजमेंट को इंपोर्ट कर लिया है, अब मैं इसको रजिस्टर करूंगा कि मैं इस यूजर मैनेजमेंट के राउट को अपने इंडेक्स में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे यूज करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा राउटर डॉट यूज स्लैश यूजर मैनेजमेंट पे, मतलब जब भी मैं यूजर मैनेजमेंट का यूआरएल टाइप करूंगा, मैं अपने यूजर मैनेजमेंट की फाइल को यूज करना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने यूजर मैनेजमेंट की फाइल में जो ये इंडेक्स राउट बिल्कुल ब्लैंक राउट बनाया है, ये चल जाएगा, बट मेरे को यूआरएल में क्या डालना पड़ेगा, स्लैश यूजर मैनेजमेंट। एक सेकेंड, लोकल होस्ट जो सर्वर स्टार्ट नहीं किया मैंने, एक सेकेंड। सो देखो इनसाइड यूजर मैनेजमेंट आ रहा है, और अगर मैं ये लाइन कमेंट कर दूं, सो मैं यूजर मैनेजमेंट अब एक्सेस नहीं कर पा रहा। सो मैंने अपनी इंडेक्स वाली फाइल में ये बता दिया कि मैं स्लैश यूजर मैनेजमेंट के साथ यूजर मैनेजमेंट की फाइल यूज करना चाहता हूँ। और वो सक्सेसफुली हो पा रहा है। सो इस तरीके से हम अपने जो यूआरएल्स है मल्टीपल फाइल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ यूजर यूजर मैनेजमेंट की फाइल आ जाएगी, इन्वेंट्री कंट्रोल की फाइल, सप्लाई इन्वेंट्री सप्लाई की फाइल आ जाएगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फाइल आ जाएगी। सो हम ऐसे अपने पूरे प्रोजेक्ट के सारे यूआरएल्स को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बिना इसके सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। मैं अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, ये सब ट्राई कर लो। कोड मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। इंडेक्स वाली फाइल में ये कोड रन करना है और यूजर मैनेजमेंट JS में ये रन कर। उसके बाद इसको रन करने के बाद पोस्टमैन में चला के देखना है स्लैश यूजर मैनेजमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, एक बार सब ट्राई कर लो इसे। जिस जिसका पोस्टमैन में रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को प्लीज बता दो ग्रुप पे। मैंने पोस्टमैन सेटअप करवाया था ना सबका, मेरे को याद सा नहीं आ रहा। हेलो, कोई है? मिलिंग करवाया था आपने, फर्स्ट क्लास में करवाया था। हाँ ठीक है। ये यूजर मैनेजमेंट में एक ब्लैंक राउट बना के प्लीज सब एक बार पोस्टमैन में टेस्ट कर लो। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स।
सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था अभी, हाँ मैंने किट पुल किया है मास्टर में स्विच करके, पुल किया। आप क्या करना है? ठीक पुल करने के बाद एक नई ब्रांच बना लो, योर नेम स्लैश प्रैक्टिस स्लैश क्रट है, स्लैश क्रेड CRED। क्रट CRUD। उसके बाद एक यूज़र मैनेजमेंट की फ़ाइल बनानी है, इसका कोड मैंने ग्रुप पे डाल रखा है, और उसको इंडेक्स फाइल के अंदर रजिस्टर करना है, इसका भी कोड मैंने ग्रुप पे डाला है। मास्टर से नई ब्रांच बनाने से पहले मास्टर पे पुल ज़रूर ले लेना। ले लिया। हेलो सर, ये पहले जी वाला कोड यूज़र मैनेजमेंट में डालना था, और ये यूज़र मैनेजमेंट डॉट js वाला, ये क्या है? यूजर मैनेजमेंट जैसे एक अलग फाइल बनेगी राउट्स फाइल के बनेगी, अंदर। और ये दूसरा, ये तीसरा, जो तीसरी लाइन है वो तीसरा कोड दिया, तीसरा कोड जो थोड़ी ना लास्ट दिया, में, दो मतलब जो कोड लास्ट में दिया, जो लास्ट में जो कोड दिया वो यूजर मैनेजमेंट वाली फाइल का ही कोड दिया है, अच्छा उससे पहले वो कोड दिया है जो राउट्स के अंदर इंडेक्स वाली फाइल के अंदर डालना है। ओके ये इंडेक्स की फाइल खोली हुई है मैंने, स्क्रीन शेयर में दिख रहा है ना यस सर। सर, 404 एरर आ रहा है। और स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। ओके सो तुमने लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर मैनेजमेंट, ओके राउट ठीक है तुम्हारा। इंडेक्स फाइल का कोड ऊपर नीचे नहीं करनी लाइन, अभी ये फाइल खोली हुई थी मैंने, ये लाइन जो है नीचे डालनी। नेट स्लो चल रहा है तुम्हारा लग रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये लाइन 6 को नीचे मूव कर दो लाइन 9 पे, अगर तुम कंट्रोल कर पा रहे हो तो। ओके तुमने डॉट लगाया हुआ है, नहीं लगाना। ये डॉट नहीं लगाना, यूजर मैनेजमेंट इंपोर्ट ठीक किया, फिर राउटर डॉट गेट। हाँ बाकी ठीक लग रहा है, अब रीस्टार्ट अपने आप हो जाएगा नोड बाउंड की वजह से, और अब हम चला के देखते हैं। आ गया ठीक है, वो डॉट की प्रॉब्लम थी बस। हाँ कंट्रोल वापस दे दिया, अनम्यूट कर लो। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बताओ।
ठीक है, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगा, कोई नहीं बता रहा तो। सर मेरे हाँ कौन? में पोस्टमैन में कुड नॉट कनेक्ट आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। अभी ना हम HTTPS नहीं लगा सकते बिकॉज अभी हमने SSL सेटअप नहीं किया। HTTP लगाना पड़ेगा। हाँ कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। हाँ अब चल रहा है। ठीक है कंट्रोल वापस दे रही, अनम्यूट कर लो अब। ठीक है यस सर। ओके। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? ओके मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। सो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम अपना पहला क्रड बनाएंगे, क्रिएट अपडेट, क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट। सो ये चारों ऑपरेशंस हम कर लेंगे। अगर इसको सक्सेसफुली तुम कर पाते हो तो तुम फाइनली आपको यूज़फुल APIs बना पाओगे, और इन्हीं APIs को फिर हम फ्रंट एंड में बाद में यूज़ करेंगे। तो अब गेट, अब यूजर मैनेजमेंट में अब हम एक गेट यूजर्स का राउट बनाएंगे। सो स्लैश यूजर्स पे अब हम एक गेट यूजर्स का राउट बना रहे हैं। गेट मैं तुम्हें तो फर्क बता देता हूँ, यहीं पर कमेंट में लिख देता हूँ। सो बेसिकली गेट नॉर्मली यूज होता है रिट्रीव के लिए, कि अगर हमें कुछ रिट्रीव करना है। और पुट यूज होता है जब हमें कुछ अपडेट करना हो, तो पुट या पैच जब हमें कुछ अपडेट करना हो। पुट में अगर पूरा का पूरा रो अपडेट करना हो तो पुट यूज करते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स अपडेट करनी हो तो पैच यूज करते हैं। और डिलीट तब यूज करते हैं जब कुछ रिमूव करना हो डेटा या इनवैलिडेट करना हो। और फिर गेट पुट डिलीट और पोस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा ऐड करना। सो ये गेट पुट डिलीट पोस्ट है क्या? सो बेसिकली जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें एक रिक्वेस्ट मेथड होता है, तो ये सारे रिक्वेस्ट मेथड है गेट पुट डिलीट पोस्ट। अब इस मेथड का ये फायदा है कि हम एक ही URL पे बस डिफरेंट मेथड भेज के मल्टीपल काम करवा सकते हैं। सो अगर सपोज मेरे को यूजर पे ऐड भी करना है और रिट्रीव भी करना है, तो मेरे को दो URL बनाने की जरूरत नहीं है। मैं गेट पे एक ही URL के साथ रिट्रीव कर लूंगा, पोस्ट पे एक ही URL के साथ ऐड कर लूंगा। सो ये मेथड जो है हमारी हेल्प करते हैं कि हम मिनिमम से मिनिमम URLs क्रिएट करें। सो अब गेट यूजर्स का URL है, अब इसमें हम यूजर्स को फेच करेंगे। सो यूजर्स को फेच करने के लिए सबसे पहले मेरे को यूजर्स का मॉडल चाहिए। कॉन्स्ट इक्वल टू रिक्वायर मिलिंग शायद ये आपकी तक। स्क्रीन शेयर्ड नहीं है। ओ हो, एक सेकंड। अच्छा कोई और शेयर करता है फिर मेरी बंद हो जाती होगी। नहीं कोई बात नहीं, ये बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। बेटा ऐसा होता है तो आप याद दिला दिया करो। ठीक है बेटा। ओके, सो मैंने ये मेथड्स बताए थे कि हर मेथड क्या डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। गेट मेथड रिट्रीव के लिए, पोस्ट पुट अपडेट के लिए, डिलीट कुछ भी रिमूव या इनवैलिडेट करना है, और पोस्ट जब भी हमें कुछ न्यू ऐड करना हो, ऐड न्यू डेटा। ठीक है
सो अब सबसे पहले हम अपना गेट यूजर्स का राउट बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे सारे के सारे यूजर्स फेच करके रिटर्न कर देंगे। अब इस यूआरएल के लिए मेरे को सबसे पहले यूजर का मॉडल चाहिए, तो मैं मॉडल के अंदर से यूजर का मॉडल निकाल लूंगा, वो तो मेरे पास आ गया। अब यूजर मॉडल के साथ मेरे को अगर सब कुछ निकालना है तो मैं लिखूंगा फाइंड ऑल, इससे मेरे पास यूजर के सारे रोज आ जाएंगे। अब ये चीज एसिंक्रोनसली होगी, मतलब ये डेटाबेस से जब निकाल के लाएगी इसको टाइम लगेगा, तो मेरे को अपनी एपीआई को बताना पड़ेगा कि इस टास्क के लिए मेरे को वेट करना है, तो मैं यहाँ पर अवेट लगा दूँ। अब अवेट लगाने के लिए मेरे को फंक्शन को एसिंक बनाना है, सो ऑल्ट एंटर करोगे वो ऑटो फिक्स कर देगा, ऑल्ट एंटर इक्वल्स टू ऑटो फिक्स। अब मेरे को सारे यूजर्स इस लाइन से मिल जाएंगे। अब मेरे को इसको एक वेरिएबल में सेव करना है, तो कॉन्स्ट यूजर्स, मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया। अब मेरे को ये डेटा अब फ्रंट एंड पे भेजना है, मतलब पोस्ट फ्रंट एंड, चाहे पोस्टमैन हो गया, सीएलआई, मतलब जो भी रिक्वेस्ट ये मेक कर रहा है मेरे को उसको वापस ये डेटा भेजना है। सो अब इस डेटा का फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है, ना इस डेटा का फॉर्मेट नंबर है। अब इस डेटा का फॉर्मेट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वन रो। सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इस लाइन से मेरे पास आ जाएंगे और इन सब ऑब्जेक्ट्स को मेरे को रिटर्न करना है, तो मेरे को अपने रिस्पॉन्स को बताना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्स है टेक्स्ट नहीं है, इट्स जेसन। जेसन से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसमें मैं अपना यूजर्स का वेरिएबल पास कर दूँ। सिंपल सी दो लाइनें हैं, इससे सारे यूजर्स निकल के एपीआई में चले जाएंगे। अब मैं अपनी एपीआई में वापस जाता हूँ। अब यूजर मैनेजमेंट में मैंने राउट को बदल के स्लैश यूजर्स कर दिया, तो मैंने आगे स्लैश यूजर्स लगा दिया। अब मैं गेट रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। सो मैं नीचे नीचे देख सकता हूँ कि मेरे सारे यूजर्स फेच होके आ गए, जो भी मैंने डेटाबेस में पहले बनाए थे। ये एरे है, एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, तो तीन ऑब्जेक्ट्स मतलब तीन रोज आ गए और उनकी सारी डिटेल्स आ गई। सो इस तरीके से मैंने एक गेट रिक्वेस्ट बना दी टू रिट्रीव मल्टीपल यूजर्स। जैसे ये एपीआई सबकी सक्सेसफुली रन हो जाती है, इस एपीआई को सेव कर लेना, यहाँ पर पोस्टमैन में सेव का बटन दे रखा है, अपनी कलेक्शन में सेव कर लेना, नाम उसको कुछ नहीं, यूजफुल देना और फिर सेव कर लेना। तो ये एपीआई अब क्रिएट हो गई है, इट्स डन। तो मैं सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार सब ये वाली एपीआई क्रिएट कर लो। ये कमेंट्स को इग्नोर करना, बेसिकली ये लाइन है और ये लाइन है जो देखनी है। सो सब ये वाली एपीआई पूरी कर लो स्लैश यूजर्स की। मेरे पोस्टमैन पे कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड। इसका मतलब कि तुम्हारा सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर में कोई एरर आ गया होगा, इस वजह से वो रीस्टार्ट नहीं हो पाया। देखते हैं एरर क्या है। सर्वर चलाया ही नहीं है, एनपीएम स्टार्ट करो ना तब चलेगा। एनपीएम स्टार्ट, हम्म,
अब सर्वर चल रहा है बट ये पोर्ट 3000 पे चल रहा है। तुमने पोर्ट नहीं बदला? बदला था। ईएनवी फाइल में पोर्ट तो चेंज किया है। मास्टर से पुल लिया था? यस सर। नहीं लिया मास्टर से पुल, यहाँ चेंज नहीं आया। दोबारा लिया बनानी पड़ेगी ये ब्रांच। अरे यार ठीक है, अब पुल हो गया। अभी तुमने ये जो सार्थक प्रैक्टिस क्रड बनाई थी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर गिट चेकआउट माइनस पी सार्थक प्रैक्टिस एनपीएम स्टार्ट करते हैं। हाँ अब 8000 पे चल रहा है। ठीक है, पोस्टर में ट्राई करो। कंट्रोल क्या? एक सेकेंड, लाख आप ट्राई करो। ठीक है। ठीक है। सर मेरे में इशू आ रहा है, मेरे में चल नहीं रहा, ऐप दिखाओ दिखाओ क्रैश जा रहा है। फटाफट व्हाट्सएप बंद कर दिया। पर मेरे में भी ऐसे ही लिखा आ रहा था, पर थोड़ी देर बाद फिर रन हो रहा है। सेकंड देखते हैं। लाइन 6 पे routes dot index line 6, line 6, ये यूजर वाली लाइन मैंने कोड में भेजी थी बट वो कॉपी नहीं करनी थी, उसके बस रेफरेंस के लिए था कि उसके ऊपर नीचे डालना है कोड।
अच्छा, मैंने वो वो दो बार इंपोर्ट करने की वजह से रह रहा था। अब चल रहा है, ठीक है, ट्राई कर लो। ओके हाँ, किसी और को भी सेम एरर आ रहा था। हो गया सॉल्व। हेलो, इस लड़की की आवाज आई थी, उसे सेम एरर आया था। कौन था यस सर, पर उसके थोड़ी देर बाद चल गया था। ये, चेंज किया था? सर एक बार देख लो, बहुत सारे दिक्कत आ रही है। चलो दिखाओ। यहाँ तो कोड ठीक है, बट अब राउट डॉट, अच्छा राउटर है, राउट नहीं है। उसे राउटर कर दो लाइन 6 पे। हाँ, अब सेव करो, चल जाना चाहिए। हाँ चल गया, अब ट्राई कर लो उसे। सर जो ट्रिपल W वाली फाइल में पोर्ट वाली लाइन बताई थी सर, पोर्ट चेंज करने वाली। हाँ, वो तुम कर चुके हो ना, तुमने ENV फाइल के अंदर 8000 डाल दिया, बस उतना ही करना था। सर यहाँ कोई चेंज नहीं करना था। यहाँ कोई चेंज नहीं करना। ओके सर। अब पोस्टमैन में वो API रन कर लो अपनी, जो चेंजेस बोले आप सभी डाला नहीं है। यूरन डाल लो, लोकल होस्ट 8000 यूजर मैनेजमेंट स्लैश यूजर्स डाल देता हूँ मैं ग्रुप पे। ओके, 2 मिनट और फिर कंटिन्यू करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर मेरे में अभी भी मतलब वो नहीं चला। लाओ स्क्रीन शेयर करो। ये आ रहा है। इसका मतलब वो यूजर मैनेजमेंट का राउट रजिस्टर नहीं हुआ। कंट्रोल दो। हाँ, उस URL को बदला था ना, कोड खोला हुआ ना। यहाँ स्लैश यूजर्स लगाया था। अब चल रहा है, ठीक है। वहां पर यस अपना कोड कोड डाल लो, फिर सारे यूजर्स दिखने लग जाएंगे।
ओके, ये कोड एक बार सब फटाफट कर लो। रजत ने कर लिया है। सर मेरे में ये कोड डालने पे ऐप क्रैश आ रहा है। इंपोर्ट किया था ये लाइन, यस सर। दिखाओ। अच्छा, समझ गया, क्योंकि लास्ट में तुमने एंड वाली लाइन में उसको रिटर्न नहीं किया। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, मैं एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। अब ट्राई करके देखना, तो तुम्हें कंट्रोल दे दिया। ठीक है, ओके। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ओके, फिर नेक्स्ट एपीआई बनाते हैं। ये हमने गेट यूजर्स की एपीआई बनाई है, अब हमें क्रिएट यूजर्स की एपीआई बनानी है, जिससे हम एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकें। वो हमने पहले भी बनाई थी इंडेक्स में, अब वो हम बस सही जगह पे बना रहे हैं। सो गेट की जगह अब मेथड हो गया है पोस्ट, ठीक है। और अब हमें यूजर्स की एपीआई बनानी है। सो उसके लिए एक सेकेंड, सो यूजर्स की सारी डिटेल अब हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर आएगी। यूज़र का नाम, ईमेल वगैरह सब। यूज़र्स में हमने एट्रीब्यूट क्या रखे हुए हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड। सो यूज़र्स की ये सारी डिटेल्स हमारे पास रिक्वेस्ट में आएंगी। अब रिक्वेस्ट से हमें ये सारी डिटेल्स निकालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगे रिक्वेस्ट के अंदर। अब इस डिटेल्स को यूज़ करके हमें एक नया यूज़र बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिटेल्स को यूज़र के कंस्ट्रक्टर के अंदर भेज देंगे। सो हम एक न्यू यूज़र बना रहे हैं, और यूज़र के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज दी। इससे क्या होगा कि हमारा एक न्यू यूज़र क्रिएट हो जाएगा। सो हम उस न्यू यूज़र को एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, और लेकिन अभी तक हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है वो मेमोरी में है, अभी तक डेटाबेस में नहीं पहुंचा। सो अब हम अपने न्यू यूज़र को ये बोल देंगे कि डेटाबेस में जाके खुद को सेव कर लो। सो यूज़र डॉट सेव। अब डेटाबेस में जाके वो खुद को सेव कर रहा है, वो इंस्टेंटली नहीं हो पाएगा, उसको डेटाबेस में जाके टाइम लगेगा। सो हमें इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जब भी वेट करना है, अवेट, इससे अब हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब जो यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है, बस वही हमें रिस्पॉन्स में वापस भेजना है, ताकि यूज़र को पता चल सके कि उसका यूज़र क्रिएट हुआ है, किस आईडी से क्रिएट हुआ। सो हम रिटर्न करेंगे यूज़र, सॉरी, रेस डॉट जेसन, रिटर्न नहीं करना, सुनो, रेस डॉट जेसन और उसके अंदर यूज़र सेव। अब हम या अपने फोल्डर में एक न्यू एपीआई क्रिएट करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट। पूरा का पूरा यूआरएल सेम है, बट अब इसका मेथड क्या हो गया है, पोस्ट। एंड इसमें अब एक फर्क है, अब हमें यूजर की सारी डिटेल्स भेजनी है। सो हम यूजर की डिटेल्स बॉडी में भेजते हैं, तो हम यहाँ पर बॉडी पे क्लिक करेंगे, पोस्टमैन में। बॉडी में हम फिर एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म इनकोडेड डेटा पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर हम यूज़र की सारी डिटेल्स बता देंगे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। सो पहला है नेम, उसकी वैल्यू ए। दूसरा है ईमेल, a@gmail.com। फिर पासवर्ड 1 2 3। ठीक है, सो हमने ये डिटेल्स रिक्वेस्ट में डाल दी। अब ये रिक्वेस्ट का सारा डेटा हमारे सर्वर के पास जाएगा और उससे वो न्यू यूज़र क्रिएट कर देगा। और ये मेथड पोस्ट है। सो न्यू यूज़र क्रिएट हो गया और उसकी आईडी क्या है, 4, जो हमारे पास आ गई। सो ये एपीआई अब सक्सेसफुली बन गई है एक न्यू यूज़र क्रिएट करने की। तो मैं इस एपीआई का नाम लिख दूंगा, क्रिएट न्यू यूज़र। इस एपीआई को सेव कर लूँगा अपनी कलेक्शन में एंड इसका काम हो चुका है। सब अब ये पोस्ट की एपीआई क्रिएट कर लो और पोस्टमैन में टेस्ट कर लो। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो। अजद का हो गया है, नाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस सर, मेरा पोस्टमैन पे वो सेम एरर आ रहा है पहले की तरह। दिखाओ। दिखाओ क्या रहा?
यूजर मैनेजमेंट, यह डॉट लगाया हुआ है कि डॉट तुमने अंडू कर दिया था क्या? सर। टाइम क्यों लगा रहा है? मॉडल का नाम गलत दे रखा है, जो सजेशंस में आ रहा है वही चूज करना है। फाइनल ऑल नहीं है, फाइंड ऑल है। ठीक है, अब चल गया। यस सर। ओके, वो पोस्ट की एपीआई भी फटाफट बना लो, ओके मैं सर। स्क्रीन शेयर कर रखी है। पोस्टमैन में सेव करना मत भूलना अपनी एपीआईज, वही बाद में काम आएंगी एज अ नोट्स। किसी और को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। बॉडी में क्या क्या डालना था? एक नेम था, नेम, ईमेल, पासवर्ड। आई होप चल गया होगा। एरर आ गया, कुड दिखाओ नॉट सेंड रिक्वेस्ट। दिखाओ दिखाओ। इसका मतलब सर्वर पे कुछ फटा है, एरर आया है। ओके, सर्वर के कोड में जाते हैं। यहाँ नीचे एरर आ रहा है, यूजर। अच्छा, यहाँ दिख गया एरर। यहाँ तुमने यूजर्स ले रखा है बट नीचे यूजर है। ठीक है, कंट्रोल तुम्हें दे दिया, ट्राई कर लो अब। ओके, यूजर क्रिएट हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ।
किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। नो ओके सर, मैं क्या नो सर। ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। सो बेसिकली अभी हमने ये जो राउट्स बनाए थे ये हमारे जनरल राउट्स हैं, बट अब हमें डिटेल राउट बनाना है। तो जनरल राउट्स पूरे के पूरे यूज़र्स पे बल्क पे काम करते हैं। सो इससे सारे यूज़र्स के लिए गेट बनी हुई है, सारे यूज़र्स के लिए पोस्ट बनी हुई है। लेकिन किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए मेरे को कोई गेट की रिक्वेस्ट बनानी हो जिससे मैं सिर्फ उस यूज़र की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकूँ, सो उसके लिए हम डिटेल राउट बनाएंगे। अब डिटेल राउट कैसे बनता है, मैं ये गेट वाली रिक्वेस्ट को ही कॉपी कर रहा हूँ। सो जब भी मेरे को एक स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यूआरएल में उसकी आईडी पास कर दूंगा। अब कोड को ये बताने के लिए कि ये आईडी डायनेमिक है, ये इसमें कोई वैल्यू आएगी और ये चेंज हो सकती है, सो मैं आईडी से पहले कोलन लगा दूँ ये बताने के लिए कि इस आईडी के अंदर कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मेरे को चाहिए। सो अभी कोड यहाँ से हटा देते हैं, अभी सिर्फ हम लॉग करेंगे। सो कॉन्स्ट यूज़र आईडी में अब निकाल रहा हूँ रिक्वेस्ट में से, रिक्वेस्ट में से अब ये जो यूआरएल के अंदर जो वैल्यूज आती है पैरम्स कहते हैं इसे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। सो मेरे पास आईडी आएगी, इसको अभी मैं एज इट इज वापस नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ रिस्पॉन्स में हेलो भेज देता हूँ और इसको लॉक करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉक यूजर आईडी। सो चेक करते हैं कि अगर मैं अब इस एपीआई को हिट करूंगा, यूजर्स के आगे कोई भी नंबर लिखता हूँ तो वो लॉग हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मैं वापस पोस्टमैन में जाता हूँ, मैं अब एक गेट यूजर्स को डुप्लीकेट करके एक नई एपीआई बनाऊंगा, इस एपीआई का नाम रखूंगा गेट यूजर डिटेल। अब यूजर्स के आगे अगर मैं अब आईडी डालता हूं सपोज टू, तो पैरम्स के अंदर आईडी के साथ टू चला जाए। मैं गेट करता हूँ हेलो आ गया और अब मैं टर्मिनल में जाता हूँ, ये टू प्रिंट हो गया, वो प्रिंट इस लाइन की वजह से हुआ, ठीक है। सो रिक्वेस्ट में जो मैं नंबर भेज रहा हूँ वो मेरे को मिल रहा है कोड में। अब इसी आईडी के यूज़र को मेरे को रिट्रीव करना है, तो मैं अब रिट्रीव कैसे करूँ। सो मैं लिखूँगा यूज़र डॉट फाइंड बाय प्राइमरी की, और इस प्राइमरी की में मैं यूज़र आईडी डाल, अभी डेटाबेस में जाके इस आईडी के अगेंस्ट जो भी यूज़र है वो ले आएगा, बट अगेन ये डेटाबेस में जाएगा, टाइम लगाएगा, हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ लगा रहा हूँ अब अवेट। अब अवेट ये जैसे ही ढूंढ के लाएगा मेरे को उसका रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर करना है, कॉन्स्ट यूज़र, और इसी वेरिएबल को मैं रिस्पॉन्स में वापस भेज दूंगा जेसन। ठीक है, सो अब हम वापस एपीआई में जाते हैं, मैं वापस इसे हिट करता हूँ, तो मैंने यूज़र्स के आगे टू लगाया हुआ है, तो जिस भी यूज़र की आईडी टू है मेरे को वो पूरा का पूरा यूज़र मिल जाएगा, ये यूज़र पूरा का पूरा आ गया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिटेल गेट एपीआई। सो अब यहाँ पर बस एक फाइनल चीज़ और, यहाँ पर मैंने उसको फाइंड बाय पीके से फेच किया हुआ, अगर सपोज कोई और किसी और चीज़ से फाइंड करना होता नेम वगैरह से तो फिर वो फाइंड बाय पी के नहीं चलता, तो मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। तो एक और तरीका है यूज़र को फाइंड करके लाने का, तो मैं लिखूँगा फाइंड बाय फाइंड वन, मेरे को एक यूज़र चाहिए अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर बताऊंगा कि मेरे को क्या कंडीशन डालनी है, वेयर आईडी इज यूजर आईडी, ठीक है। सो इस तरीके से चाहे वो आईडी हो चाहे नेम हो चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी पैरामीटर से यूजर को फेच करके ला सकता हूँ।
सो ये दोनों तरीके समझने इम्पॉर्टेंट है. एक एक तो सिर्फ प्राइमरी की किससे ही चलेगा, उसके अलावा किसी चीज़ से नहीं चलेगा, और दूसरा वो किसी भी पैरामीटर के बेस पे चल सकता. सो अब हम इसको हिट करके देखते हैं, रिजल्ट आ रहा है, ये सही चल रहा है. ठीक है. सो अब गेट की डिटेल एपीआई बनाएंगे, ये कोड ये रहा, सब ट्राई करो इसे, कोई दिक्कत आती है तो बताओ. दिस इज कॉल्ड डिटेल एपीआई फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रो. जिनका हो गया प्लीज ग्रुप पे बता दो कि हो गया है, मेरे को एक हेड काउंट तो मिले. ओके मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना. हो गया सर. नाइस. सर इसी आईडी का शो नहीं कर रहा है स्पेसिफिक, जो जैसे 12 डाल रहा हूँ 12 का शो नहीं कर रहा, बट रिजल्ट शो कर रहा है कोई ना कोई, तो फाइव फाइव आईडी का 12 का, क्योंकि यूजर बना नहीं होगा. एक बार 1 डाल के देखो, सर मेरे उसमें बना है सर, मतलब मैंने बना लिया थे 12 पे मतलब नहीं आ रहा. एक बार दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो. दिखाओ कोड, दिखाओ. ओके, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी फाइंड. फाइंड वन में वेयर क्लॉज लगाना है. एक बार कोड देख लो, जो मैं चैट पे डालता हूँ, होल्ड करो. हाँ, चैट पे डाला है, वेयर कंडीशन लगानी है.
हाँ अब हो गया, दिखाओ एक बार जरा, स्क्रीन क्यों बंद कर दी? चल गया सर। चल गया, ओके। यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है जल्दी बताओ। ओके आगे स्टार्ट करते हैं फिर। अब डिटेल रूट में ही गेट सॉरी डिटेल रूट में ही पुट और डिलीट चलता है। कभी भी हम पुट और डिलीट एंड सारे के सारे यूजर्स को नहीं करेंगे, सारी कलेक्शन को नहीं करेंगे, हम पुट और डिलीट किसी एक स्पेसिफिक यूज़र को ही करेंगे। ये डिटेल रूट में ही चलता है हमेशा। हम इस गेट वाली रिक्वेस्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे और अब हम डिलीट वाला राउट बनाएंगे। इसी तरीके से हम यूज़र निकालेंगे और एक सेकेंड होल्ड करना। एक यूजर को डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे यूजर डॉट डिस्ट्रॉय, सेम उसी तरीके से जैसे हमने फाइंड वन किया था, डिस्ट्रॉय वेयर आईडी इज यूजर आईडी। अब इस डिस्ट्रॉय को करने में उसे टाइम लगेगा तो अवेट लगाएंगे। अब इस केस में हमारे पास रिटर्न करने को कुछ नहीं है क्योंकि यूजर तो डिलीट हो ही चुका है। हम रिटर्न में बस ये लिख देंगे मैसेज यूजर डिलीटेड। ठीक है, ये डिलीट का राउट है, सिंपल है। इसको गेट यूजर डिटेल से डुप्लीकेट करके मैं नई एपीआई बना रहा हूँ। अब मेथड को मैं कर रहा हूँ डिलीट, सेव नहीं हो रहा। यूजर टू को मैं अब डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस एपीआई को सेव कर लेता हूँ। मेथड डिलीट यूजर टू सेंड यूजर डिलीट। अब मैं इसी टू वाले यूजर को गेट करने की कोशिश करता हूँ। गेट यूजर डिटेल टू को मैंने अब गेट करने की कोशिश करी, एरर आ गया मेरे पास। वो यूजर अब डिलीट हो चुका है। अब सब ये डिलीट वाला राउट बना लो। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ओके, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। एक किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी बताओ।
ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दो, मेरे को रोक देना। ओके, सो डिलीट का हो गया काम। अब लास्ट काम रहता है कि हम एक यूज़र को अपडेट कर सकें। सो उसका भी डिटेल राउट बनेगा। अब यूज़र्स डॉट आईडी चाहिए ही हमें। अब हम अपडेट करेंगे। अपडेट के लिए जो मेथड होता है उसका नाम है पुट। यूज़र आईडी हमें चाहिए होगी अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम यूज़र को फेच करके लाएंगे, तभी अपडेट कर सकते हैं। सो फेच करने का वही तरीका जो हमने पहले यूज़ किया था। सो हमने यूज़र को फेच कर लिया। अब हमें यूज़र के अंदर चेंजेस करने हैं जो भी रिक्वेस्ट में आए। सो हम चेक करेंगे कि अगर रिक्वेस्ट की बॉडी में नेम आया है चेंज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यूजर के नेम के अंदर रिक्वेस्ट की बॉडी वाला नेम डाल देंगे। सिमिलरली अगर रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी के अंदर ईमेल आया है, यूजर, चलो ईमेल का नहीं रखते, ईमेल शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज, पासवर्ड का रख लेते हैं। अगर रिक्वेस्ट की बॉडी में पासवर्ड आया है, यूजर डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। सो अगर रिक्वेस्ट की बॉडी में पासवर्ड आएगा, हम यूजर के अंदर पासवर्ड चेंज कर देंगे। अब या ये सारे के सारे चेंजेस हमें डीबी में सेव करवाने हैं। हमने अभी सिर्फ एक मेमोरी में चेंज किया है, डीबी में डेटाबेस में कोई भी चेंज नहीं है। सो हमें डेटाबेस में ये सेव करवाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यूजर डॉट सेव। अब डेटाबेस में सेव टाइम लेगा, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। हम आगे लगाएंगे अवेट। रिस्पॉन्स में यही अपडेटेड यूजर हम भेज देंगे। ओके, ये एपीआई क्रिएट हो गई है। अब डिलीट वाली को ही डुप्लीकेट करके मैं अपडेट की बना लेता हूँ। अब अपडेट यूजर डिटेल में मेथड क्या होगा, पुट यूजर आईडी टू डाली हुई है, बट टू तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, तो मैं यूजर आईडी 3 कर रहा हूँ। ठीक है, सो 3 के अंदर अभी डिटेल्स हैं मिलिंद मिलिंद राय एट द रेट hotmail.com। अब मैं इसको चेंज करूँगा। सो मैं बॉडी में जाता हूँ और बॉडी के अंदर नेम की वैल्यू डाल देता हूं मिलिन न्यू, पासवर्ड की वैल्यू डाल देता हूं 1234। ठीक है, सो अब मैंने पुट की रिक्वेस्ट कॉल कर रहा हूं, उसमें न्यू डेटा भेज रहा हूं, और अब मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए जिसकी आईडी है 3। सो मैं अब रिक्वेस्ट को सेंड करता हूं। सो आईडी है 3 और उसका नेम और पासवर्ड अब अपडेट हो चुका है। सो इस ये एपीआई कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब तुम सब भी ये वाली एपीआई बना लो।
और इसके साथ हमारा क्रड ऑपरेशन पूरा होता है। ये क्रड ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ये क्रड ऑपरेशन ही तुम जितना मतलब आगे की क्लास में बस यही बताना है कि इसको और बेटर कैसे कर, बट फॉर एवर लाइफ टाइम अब यूज बैकएंड में यही करना है कि कोई एंटिटी होएगी उसके क्रड ऑपरेशंस पे काम करना है, उसकी कोई एक एपीआई में प्रॉब्लम हो रही है तो एक उस एपीआई को अपडेट करना है। बट अब थ्रू आउट द जर्नी ये क्रड ही हमारा बेस रहेगा, इसी के बेसिस पे सब कुछ बिल्ड होगा आगे। सो ये अपडेट की सब एक बार फटाफट कर लो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये अपडेट का मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, वहाँ से देख लो एक बार सब। जिनका हो जाए इसको अपनी ब्रांच पे पुश करना और मेरे को पीआर भेजना। जिसका हो गया बता दो, अभी तक किसी ने नहीं किया। पर कुछ दिक्कत आ रही है। दिखाओ
ये बॉडी नहीं लगाना है, बस ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, आप ट्राई कर लो। और किसी को कोई दिक्कत? हो गया सर। नाइस, पीआर भेज दो मेरे को, पुश कर दो अपनी ब्रांच पे, गिट ऐड कमिट पुश, और फिर गिटहब पे मेरे को पीआर भेज दो। आप क्रैश आ रहा है। दिखाओ। ये एरर को ऊपर स्क्रॉल करना, धीरे धीरे, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, पीछे बैठ। कब से आ रहा है ये एरर? अभी तक प्रोजेक्ट चला ही नहीं था क्या? सर जस्ट अभी भी आया है। अच्छा, एक बार टर्मिनल में जाओ, npm i रन करो। कंट्रोल सी दबा दो क्लोज करने के लिए। npm i, npm start। तो कंट्रोल दो एक बार। तो मैं ना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। एक बार वो इंस्टॉल कर लेना, फिर ये वाला कमांड रन करके देखना दोबारा, ठीक है? हेलो, म्यूट कर रखा है। हेलो, हाँ दे दिया कंट्रोल। ओके तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना और उसके बाद ये वाला कमांड रन करके देखना। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो एक बार दोबारा सेटअप करेंगे तुम्हारे पीसी पे, मेरे को पिंग कर देना। ओके ओके, अभी तक तो चल रहा तो क्या किया है सर? था, वैसे पुट वाले से पहले ही चल रहा था। कुछ इंस्टॉल किया गया ना? नहीं, कुछ भी नहीं किया। वैसे कोड लिखा था उसमें क्रैश हो गया, मिस आ गया था। पुश नहीं हुआ सर, ये कैन नॉट बी सॉल्व टू ब्रांच आ रहा है। एक सेकंड। अच्छा, तुम एक काम करो, एक बार ये रिस्टार्ट करके देखो पीसी, शायद हो जाए सॉल्व। अगर नहीं होता तो फिर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना।
ये सब। और हाँ जिसकी पुश वाली दिक्कत है एक बार स्क्रीन शेयर करो। हाँ नीचे जाओ पूरा। तुमने चेकआउट करते टाइम माइनस भी नहीं डाला था? डाला डाला था सर। था, फिर तो हो जाना चाहिए। कहीं पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो एक जगह कैपिटल गया, एक जगह स्मॉल गया है। हाँ अब हो गया। कुछ ये कैन नॉट लॉक का रेफरेंस सबको आ रहा है ना एरर, इसको परमानेंटली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हो गया।
ओके सर, ठीक है, वो पीआर क्रिएट कर लो, गेटअप सर पीआर। वो राइट एक्सेस हाँ, राइट, कोई भी क्रिएट कर सकता है पीआर। एक्सेस है तो और सर इसका ये कंट्रोल आपके पास है। अच्छा, और वो कमांड कभी भी ऐसा एरर आए ये कमांड दोबारा यूज कर लेना, गेट ओके सर, रिमोट प्रून ऑरेंज। ओके, ओके सर, और किसी को कोई दिक्कत आ रही है जल्दी बताओ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब जो भी कर रहे हो पॉज कर लो, एक बार देख लो। अभी हमारे सारे यूआरएल्स जो हैं डायरेक्टली हमारे राउट में जा रहे हैं, बट ऐसा प्रोडक्शन में नहीं होता। प्रोडक्शन में सारे यूआरएल्स जो होते हैं वो एपीआई नहीं होते, कुछ यूआरएल्स जो होते हैं फ्रंट एंड के भी होते हैं। हम ऐप में, सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ओह सॉरी, मैं कह रहा हूँ जैसे ये यूआरएल है वो डायरेक्टली राउट वाली फाइल के अंदर जा रहा है, वो ऐसे नहीं होता। हम यूआरएल्स को इस तरीके से बनाते हैं कि हम उनका वर्जन भी बदल सके एंड यूआरएल्स को डिफरेंशिएट भी कर सके। सारे यूआरएल्स बैकएंड के नहीं होते, कुछ यूआरएल्स फ्रंट एंड के भी होते हैं, वो एपीआईज नहीं होती, वो फिर स्टैटिक फाइल्स हो जाते हैं। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम एपीआईज के लिए यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। तो हम ऐप के अंदर जहाँ हमने अपना इंडेक्स राउट बना रखा है और रजिस्टर भी कर रखा होगा, ये यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है। हम इसको यहाँ पर बता देंगे कि इंडेक्स राउट में ये जितने भी यूआरएल्स हैं सारे एपीआईज हैं, ये नीचे वाले की तो ज़रूरत है। तो सारे के सारे जितने भी यूआरएल्स हैं वो एपीआई है। तो अब मेरे को सारे के सारे यूआरएल्स से पहले स्लैश एपीआई लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट इतना भी काफ़ी नहीं है। सपोज अब मैं यूज़र मैनेजमेंट को मैंने इंडेक्स वाली फाइल में रजिस्टर कर रखा है, अब हो सकता है कि यूज़र मैनेजमेंट का पूरा कोड बेस ही बदल गया। मैं यूज़र मैनेजमेंट के साथ एक V1 भी लगाऊं ये बताने के लिए कि V1 है, और मेरे को कभी बदलना हो मैं बदल भी सकता। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ, तो अब मेरे सारे APIs में URL क्या चेंज हो गया, मेरे को अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा /API/V1, URL अब एज इट इज़ काम कर रहा है। तो सारे के सारे मेरे को राउट्स में अब /API/V1 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से सारे URLs प्रोडक्शन में चलेंगे, API V। API V। ओके, सारे URLs चेंज हो गए। अब हमने अपना पहला क्रट बना लिया प्रॉपर तरीके से, ऑल दो अभी भी बहुत काम बाकी है। अभी हमने हमें मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, वर्ड भूल गया मैं, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर की स्कीम को फॉलो करना है। अभी हमने सारा का सारा रोड कोड जो है अपने राउट की फाइल में डाल रखा, जो टेक्निकली गलत है। राउट की फाइल में सिर्फ राउटिंग का कोड होना चाहिए, और बाकी सारा जो कोड है डेटाबेस में चेंज करने का वगैरह वो डिफरेंट फाइल्स में होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए हमने राउट्स की फाइल अलग अलग ली है, धीरे धीरे कोड की फाइल भी अलग अलग करेंगे और फिर हमारा एक फुल स्केल प्रोजेक्ट बन पाएगा। बट आज ये जो क्रट बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको मतलब टिप्स पे होना चाहिए। आज पहला होमवर्क दे रहा हूँ सबको कि अभी मैंने यूजर्स का क्रट बनाया, तुम किसी भी टॉपिक को और पकड़ो और तुम्हें उसका क्रट बना के मेरे को पीआर भेज दे। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे फीडबैक कट हो गया क्रट, फीडबैक में वही गेट पुट पोस्ट, और ऐसे ही तुम किसी भी टॉपिक को पकड़ सकते हो, योर चॉइस, उसका क्रट बनाओ मेरे को पीआर दो। इसी तरीके से तुम्हारे मतलब जो कोर लॉजिक्स हैं वो स्ट्रांग हुए। फिलहाल आज का जो कोड है वो मैंने अभी काफ़ी सारा चेंजेस अपनी ब्रांच पे कर दिया, तो मैं इसी को मर्ज कर देता हूँ। बट मेरे को सबके पीआर चाहिए ये चेक करने के लिए कि किन कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। सेंड कर दिया सर पीआर। हाँ, मैं अभी वो देखूंगा।
सो मैं अपनी ब्रांच पुश कर देता हूँ, गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम क्रड गिट पुश। सब कुछ पुश हो गया। न्यू पुल रिक्वेस्ट मिलिंग प्रैक्टिस क्रड एपीआई फॉर ओके okay। नाइस, आज बहुत सारे पीआर आए हैं। ये तो पुराने हैं। शिट ओके नाइस, आज 6 PRs आई हैं। गुड वर्क। सो सब आप होमवर्क कर लेना, मैं PRs देख लूँगा फिर भी। सब होमवर्क कर लेना, सबको क्रड बनाना है किसी भी टॉपिक पे, योर चॉइस। क्रड बनाना आना चाहिए। इन्हीं क्रड को हम फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे, इन्हीं क्रड को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑथेंटिकेशन और कोड डिवीजन पढ़ाऊंगा। सर एक बार सर पीआरओ प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ दिखाओ। ये का यही तुम्हें भी एक कमांड रन करना पड़ेगा। गेट रिमोट रूम पारस नाम की कोई एपीआई बनी हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कोई ब्रांच बनी हुई है, मैं डिलीट करता हूँ। ये रही अब ठीक है, पुश हो गया, पीआर क्रिएट कर लो। कंट्रोल हाँ दे दे। मुझे क्या करना था, वीएस कोड पे वन डाउट ओपन कर दिया वीएस कोड। विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सर, मैंने नेट पे भी देखा था तो वो कह रहा था कि
बैकग्राउंड में दो तीन सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने सारे बंद करे फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, मेरे को ना इस कॉल के बाद एक मैसेज करो, फिर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं जूम पे। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम रह गई हो मेरे को मैसेज या मेल कर देना। बाय बाय ब्रेन, थैंक बाय बाय, वेलकम यू, थैंक यू सर। बाय, ओके सर। वेलकम।